जिन्होंने कमर कसी है कि हम लोग आईएएस करेंगे या जो पीसीएस के संदर्भ में है, तो एक किताब है अंबेडकर पर। देखिए, अंबेडकराइट एक थिंकर हैं और अंबेडकर की के पुत्र की पत्नी भी हैं, गेल ओम्बेट। ये जो किताब है, ये किताब पेंगुइन से आई है और पत्ती किताब है, इसलिए आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, भाषा बहुत आसान है। अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, आपको गांधी, अंबेडकर, नेहरू, टैगोर, कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कभी भी आपसे 50 शब्द पर, 100 शब्द पर, 150 शब्द पर, 200 शब्द पर सवाल पूछा जाए, और कुछ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये सब किताबें पढ़ना जो है, ये आपको निबंध में भी मजबूत करेगा, फर्स्ट पेपर में भी मजबूत करेगा, सेकंड में भी मजबूत करेगा, और फोर्थ में भी क्या है, मजबूत करेगा। तो ये किताब और बहुत शानदार लिखा है, थोड़ा अंबेडकराइट है तो अंबेडकर वाले नज़रिए से लिखा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अंबेडकर के संदर्भ में जैसे जो यूपीएससी में, आईएएस में जो सवाल पूछा गया, तो उन सवालों को करने के लिए आपके पास एक ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी किताबों का थोड़ा, देखिए, थोड़ा तैयारी को थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। जो परंपरागत हथियार हैं वो लाचार और बेकार हो गए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ जो चीज़ें आपको सजेस्ट की जाती हैं उन पर थोड़ा ध्यान आप रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे जो, मतलब एक पूरा टॉपिक ले रहा हूँ और बीच बीच में लूँगा, ऐसे ही लूँगा, ताकि आपकी क्लासेस का भी ये ना हो। जैसे आज मैं गांधी और अंबेडकर पूरा करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट डे गांधी और टैगोर ऐसे पूरा करूँगा। तो जो कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया में, इनफैक्ट जो एथिक्स में भी पढ़ाना है, वो मैं फर्स्ट पेपर के साथ क्या है, मिलाकर पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का भी काम हो जाएगा, फोर्थ का भी काम होगा और सेकंड का भी काम होगा। तो कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया में, या जो आपका हिस्ट्री वाला फर्स्ट पेपर का सेक्शन है, जिसमें आप कहते हैं ना वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया और कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, चार चीज़ें आपको पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए, कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है समकालीन भारत, कहेंगे हिंदी में। और जब आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट पेपर के सिलेबस में, हिस्ट्री वाले सिलेबस में व्यक्तित्व लगा हुआ है, और फोर्थ पेपर में नेतृत्व लगा हुआ है, महान नेताओं से आपने क्या सीखा। तो अगर हम व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ें तो फोर्थ पेपर में जो नेतृत्व है उसको भी हम तैयार कर लेंगे। अब समकालीन भारत, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये जीएस पेपर वन का है, ठीक है ना, ये जीएस पेपर वन का है। इसके साथ ही यहां पर आप ये पाएंगे जीएस पेपर फोर का भी एक हिस्सा है, वो है महान नेताओं के जीवन तथा उपदेशों से आपने क्या सबक लिया। तो नेतृत्व भी पढ़ना है, तो दोनों को यहां पर एक साथ हम लोग कर रहे हैं। पहले जो आईएएस का सिलेबस होता था तो उसमें गांधी, नेहरू, टैगोर स्पेशली लगे हुए थे, तो उसी को सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अब ये नहीं लिखा गया है कि गांधी, नेहरू और टैगोर आप पढ़कर आए। यहां पर जो आपको पढ़ना है, तो देखिए, गांधी से जो पंगा है वो सबका है, गांधी के बिना कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सवाल जैसे 2015 और 16 में, जैसे 2016 में गांधी और सुभाष के ऊपर सवाल पूछा गया, ये 2000 इसमें पूछा गया, फिर 2015 में गांधी और अंबेडकर पर पूछा गया, देख रहे हैं, 2015 में पूछा गया। भविष्य में ये स्टोरी पूरी कहाँ होगी, जैसे ये भी है कि आगे क्या हो सकता है, तो आगे हो सकता है कि गांधी और टैगोर पर पूछा जाए, ठीक है, गांधी और टैगोर पर जो है वो पूछा जाए,
और इसके साथ ही गांधी और नेहरू पर पूछा गया। जो सवाल पूछा गया उसकी लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, मतलब जो लैंग्वेज है, मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ तो तैयारी करने वाले बच्चों को सवाल तोड़ना आना चाहिए, सवाल खोलना आना चाहिए, सवाल को डिकंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए और सवाल से मोर्चा भी लेना आना चाहिए। तो जब सवाल पढ़ेंगे आप, तो जैसे एक सीधा सवाल है, ये सवाल जो है 2016 का है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए, ये सवाल पूछा गया। और इसके एक साल पहले जो सवाल पूछा गया वो सवाल यहाँ पर यह था कि अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसको जैसे क्या है कि आपको जो अभी मैंने सजेस्ट किया कि गांधी और अंबेडकर में अंतर थे, लेकिन समानता क्या थी, दोनों दलितों की बेहतरी का लक्ष्य क्या है रख रहे थे। इसका मतलब इस प्रश्न को विद्यार्थी तभी टैकल कर पाएगा जब उसको गांधी और अंबेडकर के बीच के ठोस अंतर और समानता क्या है पता हो। समानताएं बहुत सारी बातों में थी, लेकिन जो अंतर है वो बताना पॉइंट टू पॉइंट इतना आसान नहीं है। तो मैं सबसे पहले सरलता के लिए, वैसे मेरा मन तो है कि मैं गांधी और टैगोर लूं, लेकिन अचानक का एक संस्कृत में कहावत है कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले ही कौर में अगर मक्खी आ जाए तो भोजन क्या हो जाएगा। तो चूंकि डेप्थ है, गांधी और टैगोर के भीतर क्या है, डेप्थ है, और झगड़े भी बहुत गहराई में है, जो अंतर विरोध तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, वो बहुत गहरे हैं। अंबेडकर और गांधी को हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं क्योंकि डिबेट में है, अंबेडकराइट जो है वो जेएनयू में, अभी जेएनयू में कल पंगा हो गया, और महाराष्ट्र में अंबेडकराइट मूवमेंट बड़ा मजबूत रहा है। दलित एसर्शन जो है वो एक बहुत बड़ा डिबेट है आज का, और दलितों पर इस तरह के क्वेश्चंस भी क्या है पूछे जा रहे हैं। तो हम ये सवाल उठाएं कि बापू और बाबा के बीच में, बापू कौन, महात्मा गांधी, बाबा कौन, अंबेडकर, इन दोनों के बीच में अंतर के बिंदु क्या थे। तो आप इस सवाल को लिखिए और इसी सवाल का जवाब हम लोग खोजेंगे। अपसारी उपागमों, ये 2015 का सवाल है, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद, और देखो सवाल लड़ाना मेरी फितरत है तो ये सवाल भी लड़ेगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये सवाल भाषा बदल कर फिर पूछा जाएगा। अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिए, 12.5 अंक का सवाल है और 200 शब्द में लिखना है, 200 शब्द का सवाल है, मतलब इस सवाल को आप करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर डाइवर्जेंट अप्रोच, मतलब दोनों के अप्रोच में क्या था, दोनों का जो अप्रोच था, दोनों का जो दृष्टिकोण था, उपागम था, वो भिन्न था। अप्रोच में क्या था, अंतर था, किसको लेकर अप्रोच में अंतर था, जो दलित को लेकर जो अप्रोच था दोनों का डिफरेंट था, लेकिन दलितों की बेहतरी के लक्ष्य के बिंदु पर दोनों क्या थे, समान थे। मैं इस सवाल पर ही केंद्रित नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल गांधी और अंबेडकर पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा, जिससे इस तरह के जितने सवाल आए आप कर सकें।
और ये सवाल केवल हम लोगों के लिए फर्स्ट पेपर का ही नहीं है, ये सवाल फोर्थ पेपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल जो झगड़े भारत में चल रहे हैं उनको भी समझने के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और देखो, जिंदगी में कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बात सही और गलत की नहीं होती है, बात वहां पर होती है कि आप जो जो बातें कह रहे हैं उससे किसी की भलाई और किसी का दूरगामी कितना नुकसान और फायदा क्या है जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को क्या है समझेंगे। देखिए, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में जो पहली जो इनकी मुलाकात होती है वो बहुत ही कटु बहस के रूप में सामने आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महात्मा गांधी से जो पहला जो इनकाउंटर होता है वो महाराष्ट्र मुंबई में होता है, और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी से इस बात पर ना इत्तेफाकी जताई, असहमति जताई कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए कुछ किया है। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस अछूत के समस्या के लिए, छुआछूत की समस्या के लिए अगर संवेदनशील होती तो वह अपने सदस्यता के लिए एक शर्त लगाती कि कांग्रेस की सदस्यता उसी को दी जाएगी जो किसी भी रूप में छुआछूत की कुप्रथा का व्यवहार बर्ताव नहीं करेगा। और कांग्रेस ने सदस्यता को, उस जमाने में सदस्यता कांग्रेस की लेने की जो शर्त थी वो था 25 पैसा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 25 पैसे के साथ आप ये भी जोड़ सकते थे कि भाई कांग्रेस का वही सदस्य होगा जो छुआछूत की कुप्रथा को किसी भी रूप में अपने जीवन में धारण नहीं करता हो। अंबेडकर की जो पढ़ाई लिखाई थी वो भारत से बाहर हुई थी और बहुत संघर्षों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थक्रियावादी या उपयोगितावादी चिंतक जॉन ड्यूबी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु थे, और अंबेडकर का एक से अधिक विषयों पर रिसर्च था। अंबेडकर बहुत ही वेल लर्न्ड पर्सन थे, बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे। अंबेडकर का अर्थशास्त्र पर रिसर्च था, और अर्थशास्त्र पर रिसर्च उन्होंने ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय से लिया था, जबकि उन्होंने पढ़ाई कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से की थी। तो जब वहां पर भारत के आजादी के लड़ाई के नेता अंबेडकर को, खास तौर पर लाला लाजपत राय ने, अंबेडकर लाला लाजपत राय उनके मित्र थे, उनको बुलाते थे, तो कई बार वे जाते तो थे, जो भारत की आजादी की लड़ाई से संबंधित जो नेताओं का एक आयोजन होता था उसमें जाते थे, लेकिन वो पूरी तरह से सहमत वहां पर भी क्या है नहीं थे। और कई बार देखिए, आपके दिमाग में पहले से कुछ धारणाएं जमी होंगी, तो पहले तो उन धारणाओं को अपने दिमाग से हटा दीजिए। किसी भी बड़े विचारक को समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आपको निष्पक्ष होकर सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है और किस पर्सपेक्टिव से कोई बात क्या है कह रहा है। तो लाला लाजपत राय उनको बुलाते थे, एक दो बार वो गए, लेकिन उसके बाद वो फिर अमेरिका में उस तरह के कार्यक्रम में उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। उसके कारण उनके शैक्षिक थे कि उनकी पढ़ाई में उसके वजह से क्या है बाधा क्या है उत्पन्न होती थी, उनकी जीवनी लिखने वालों ने ये बातें लिखी हैं। अंबेडकर और गांधी के बीच में या किसी भी दो व्यक्ति के बीच के अगर अंतर को समझना है तो सबसे पहले नजरिए के अंतर को आपको समझना होता है। नजरिया अलग था, इसलिए दोनों के लिए नजारे भी क्या थे, अलग थे। दोनों के बीच में दृष्टिकोण की भिन्नता थी, दोनों के लिए जो वसूल थे, जो जिंदगी में जो महत्वपूर्ण उसूल होते हैं वो दोनों के लिए थोड़ा अलग थे, और ये हो सकता है। गांधी के लिए सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई उसूल नहीं था। गांधी सत्य के लिए, सत्य को हासिल करने के लिए अहिंसा के रास्ते के हिमायती थे। तो गांधी के पूरी विचारधारा के केंद्र में सत्य और अहिंसा थी, और गांधी अपने आप को व्यवहारिक आदर्शवादी कहते थे। वो कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हूं, मैं सत्य और अहिंसा के आइडियल या आदर्श को व्यवहार की जमीन पर उतारना चाहता हूं, इसलिए मैं व्यवहारिक आदर्शवादी हूं, मैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हूं।
अंबेडकर कहते थे कि वे अतिवादी समतावादी हैं, वो समानता को हासिल करने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक क्या है जा सकते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अंबेडकर के जीवन मूल्य के केंद्र में थे। तो दोनों के बीच में पहला बड़ा अंतर क्या था? जो पहला बड़ा अंतर था वो वसूलों का था। और देखो, वसूल के अंतर जो होते हैं वो जिंदगी में हम क्या स्टेप लेंगे इसके अंतर क्या है बन जाएंगे। भाई एक आदमी कह रहा है कि मेरे लिए स्वतंत्रता समानता से बड़ी कोई चीज नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि सत्य और अहिंसा। तो यहां पर एक कह रहा है कि मैं प्रैक्टिकली आइडलिस्ट हूं, मैं व्यवहारिक आदर्शवादी हूं, दूसरा ये कह रहा है कि मैं अतिवादी समतावादी हूं, मैं समानता के लिए अगर धर्म परिवर्तन या कुछ भी करना होगा तो मैं उसको भी क्या है स्वीकार करूंगा। तो यहां पर ये क्या है, तो एक आप यहां पर हेडिंग दीजिए, गांधी और अंबेडकर अंतर के बिंदु, और उसमें पहला अंतर आप ये लिखेंगे, पहला जो अंतर है वो अंतर आप ये लिखेंगे, गांधी और अंबेडकर अंतर के बिंदु, अंतर के बिंदु। ठीक है, अब जैसे आपने ये अंतर लिखा तो अब इसमें यहां पर देखिए कि जैसे यहां पर हम लोग पॉइंट तो कॉमन लेंगे कि दोनों के चिंतन के दृष्टिकोण के जो केंद्रीय मूल्य थे वो अलग थे। गांधी के लिए क्या था? सत्य और अहिंसा। तो गांधी के लिए पहला यहां पर लिखिए चिंतन के केंद्रीय मूल्य, चिंतन के केंद्रीय मूल्य, यहां पर लिखिए सत्य व अहिंसा। और अंबेडकर के नीचे लिखिए, अंबेडकर के नीचे स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की त्रिपुटी। त्रिपुटी का मतलब होता है तीन चीजें। यह अंबेडकर का केंद्रीय मूल्य था। ठीक है, विचारधारा की दृष्टि से गांधी ने खुद को कहा कि वे व्यवहारिक आदर्शवादी हैं, व्यवहारिक आदर्शवादी हैं। अंबेडकर कहते थे कि वे प्रगतिशील अतिवादी हैं। वे प्रगतिशील अतिवादी हैं। अब देखिए इसमें यहां पर यह समझना है कि गांधी ने खुद को कहा कि वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया ने उनको कई बार यह कहा कि अराजकतावादी हैं, क्योंकि राज्य का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, राज्य को हटाने की बात क्या है करते हैं। तो यहां पर हम लोग उस पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम इस पॉइंट को ले रहे हैं कि उन्होंने अपने बारे में क्या कहा। इसके साथ ही यहां पर आप देखिए कि राजनीति को लेकर, पहले समझ लीजिए फिर नोट करना है, राजनीति को लेकर गांधी और अंबेडकर के दृष्टिकोणों में जमीन आसमान का अंतर था। गांधी राजनीति को नैतिकता और अध्यात्म से जोड़ते थे। गांधी राजनीति में सच्चा, राजनीति में अपने जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उतरे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं संत, मतलब गांधी को कुछ लोगों ने कहा कि वे संत के वेश में राजनेता थे, मैं मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए किसी गुफा में एकांतवास करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं अपने देशवासियों की सेवा के माध्यम से ये कार्य करूंगा। तो गांधी के लिए राजनीति जो है वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने का एक रास्ता थी, पहली चीज। तो राजनीति को अध्यात्म से जोड़ा और राजनीति को गांधी ने नैतिकता से भी जोड़ा। सत्य विहीन, यहां पर धर्म या सत्य विहीन
या धर्म विहीन राजनीति नितांत निंदनीय। और धर्म का मतलब गांधी के लिए सत्य होता था, सत्य के अनुशीलन का रास्ता होता था। धर्म का मतलब गांधी के लिए संप्रदाय नहीं होता था, धर्म का मतलब मजहब नहीं था उनके लिए। तो वो सच्चाई और राजनीति को फिर जोड़ रहे थे, क्योंकि वो जब वो कह रहे थे कि धर्म विहीन राजनीति नितांत निंदनीय है और धर्म का मतलब है सत्य, तो राजनीति को किससे जोड़ रहे थे? सत्य से। तो गांधी ने राजनीति को सत्य और राजनीति को नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ा। अंबेडकर राजनीति को समाज की भीतरी शक्ति से जोड़ते थे। वे उस पश्चिमी धारणा से संचालित थे जिसमें मानते थे कि राजनीति शक्ति को व्यक्त करती है, राजनीति जो है वह शक्ति को। अंबेडकर की बड़ी फेमस किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर को लाहौर में छुआछूत पर भाषण देने के लिए आर्य समाजियों ने आमंत्रित किया। आर्य समाजियों ने आमंत्रित किया तो आर्य समाजियों ने कहा कि भैया अपना भाषण आप भेज दीजिए। अंबेडकर ने भाषण भेज दिया। अंबेडकर का भाषण बड़ा विस्फोटक था। आर्य समाजियों ने कहा कि भाषण बदल दीजिए। अंबेडकर ने कहा कि भाषण नहीं बदलूंगा, बुलाना है बुलाओ, चाहे मत बुलाओ। आर्य समाजियों ने बुलाया नहीं लाहौर, अविभाजित भारत की बात है। अंबेडकर ने उसी भाषण को एनहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में छपवाया, वही किताब बनी। और उसमें जाति का, जाति भेद का जो उन्होंने एक बहुत गहरा विश्लेषण किया है, उसको कहा जाता है कि कास्ट पर किसी सोशियोलॉजिस्ट से लिखी गई किताब से वो कमतर रही हैं। उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे जाति का हिंदू धर्म से रिश्ता है, और उसको उन्होंने तार्किक आधार पर प्रूफ किया। हम सहमत हो या असहमत हो, लेकिन उन्होंने बड़ा शोधपरक लिखा है उसमें, और एक बार आप पढ़ेंगे तो आप कायल हो जाएंगे उस किताब के। जाति भेद का जो उच्छेद उनकी हिंदी में अब अवेलेबल भी है, तो अंबेडकर ने लिखा। तो अंबेडकर का, और फिर अंबेडकर उसी किताब में लिखते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी जहां पर भी राजनीतिक रूप से परिवर्तन हुए हैं और बेहतरी आई है, उसके पहले सामाजिक परिवर्तन हुए। जैसे पंजाब में अगर गुरु नानक देव के नेतृत्व में सिख धर्म का उदय नहीं हुआ होता तो महाराजा रणजीत सिंह को वो ताकत भी नहीं मिलती जो उन्होंने एक समय विशेष पर हासिल कर ली। तो अंबेडकर ये कहते थे कि समाज के सुधार के बाद राजनीतिक सुधार क्या है, होता है। और आप देखेंगे बड़े सामाजिक परिवर्तनों के बाद राजनीतिक परिवर्तन क्या है, होते हैं। तो वो सोसाइटी के पावर, उसके स्ट्रक्चर से पॉलिटिक्स को क्या है, जोड़ते थे। और उनको उसको लेकर वे इस धारणा को लेकर वे पूरी तरह से एश्योर थे। उन्होंने अपनी किताबों में तमाम उदाहरण दिए हैं कि दुनिया में जहां भी बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके पहले सामाजिक ढांचे में क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में इस बिंदु पर भी अंतर था। गांधी राजनीति को एक आध्यात्म की दुनिया में, अच्छाई की दुनिया में ले जा रहे थे। गांधी के लिए राजनीति कूटनीति के साथ हो ही नहीं सकती थी। गांधी के लिए कोई भी गलत और झूठी बात राजनीति में संभव ही नहीं थी। लेकिन जब आप राजनीति को शक्ति से जोड़ेंगे और राजनीति के लक्ष्यों को हासिल करने की बात करेंगे, तो वहां पर फिर मैकियावेली वाली धारणा भी आ जाएगी। इसलिए दोनों का राजनीति को लेकर जो अप्रोच था, वो अप्रोच भी क्या था, बिल्कुल भिन्न था। अब इस पॉइंट को लिखिए, आप इधर लिखिए राजनीति पर गांधी और अंबेडकर। राजनीति को अध्यात्म और, गांधी के नीचे लिखना है, राजनीति को अध्यात्म और नैतिकता से जोड़ा। अध्यात्म और नैतिकता से जोड़ा। अच्छा देखिए, जब आदमी अध्यात्म से, धर्म से जोड़ेगा तो जो सबसे समाज में कमजोर स्थिति में रहेगा उसको मजबूत करने के लिए उसको भगवान से जोड़ देगा। तो अछूतों को गांधी ने क्या कहा, हरिजन। आप समझिए, अछूत को क्या कहा, हरिजन। ये भगवान के लोग हैं।
अंबेडकर को गुस्सा आया कि हरिजन वरिजन क्या है, जो पैर से दबाया गया कुचला गया उसको पद दलित कहते हैं, डिप्रेस्ड कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब वास्तव में जो हकीकत होती है उसको बयान करने पे भी ताकत आती है, तो अंबेडकर ने अछूतों को क्या कहा, दलित कहा, और गांधी ने अछूतों को क्या कहा? ये दोनों के एक शब्द में दोनों के दृष्टिकोण का अंतर ये है। एक कह रहा है कि इनको भगवान का सहारा देकर मजबूत किया जाए, दूसरा कह रहा है कि ना जो स्थिति है उसको क्या है स्वीकार कर लो। यहां पर ये तो जैसे मैंने कहा राजनीति को इससे जोड़ते हैं, तो आप देखिए अछूतों को गांधी ने क्या कहा, हरिजन कहा। ये उदाहरण है उसका कि अध्यात्मीकरण कर रहे हैं, धार्मिकीकरण कर रहे हैं, तो देख लीजिए इसको वहां पर गांधी के नीचे, अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी, अछूतों को हरिजन की संज्ञा दी, हरिजन की संज्ञा दी। अच्छा एक देखिए क्या होता है कि हमारे जो कंसर्न होते हैं, हमारी जो चिंताएं होती हैं वो दो तरह की होती है। एक दुनियावी किस्म की चिंता होती है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल परसों पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उत्तर भारत ठंड से प्रभावित हो जाएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, कल और परसों आप अलर्ट रहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको कल परसों मौसम खराब रहेगा। तो अब यहाँ पर ये सब दुनियावी चिंता है, गमे रोजगार वाली भी चिंता है कि नौकरी कब मिलेगी, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, और एक चिंता होती है पारलौकिक कि इस लोक में तो अब जो हुआ हुआ, परलोक में क्या होगा मेरा, कहीं अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का जन्म उन्म ना हो जाए, सांप छछूदर न बन जाऊं। हिंदू धर्म में तो मान्यता है ना, इसलिए गाने बने, गाने क्या बने कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, फिर गाने बने 100 बार जन्म लेंगे, अगर पुनर्जन्म का विश्वास न हो तो ये गाने बनेंगे, फिर तो शाहरुख वाला वो डायलॉग बनेगा कि हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। तो आप ये पाएंगे ये हमारे विश्वास हैं, और आदमी को पारलौकिक चिंताएं भी होती हैं, और इलाहाबाद तो पारलौकिकता का गढ़ है, कुंभ मेले में आधा लोग अपने परलोक को सुधारने के लिए आते हैं, और जितना पाप होता है वो गंगा में क्या होते हैं छोड़ जाते हैं, फिर इलाहाबाद के लोग दुखी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गांधी की चिंताएं पारलौकिक भी थी, आध्यात्मिक भी थी, क्योंकि आदमी कह रहा है कि मैं मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा हूँ, राजनीति में इसलिए आया हूँ। अच्छा कई लोगों ने कहा भी, लुई पुलित्ज़र लोगों ने कहा कि गांधी गलती से राजनीति में थे, वो तो स्वभाव से राजनेता थे ही नहीं, वो स्वभाव से क्या थे, संत थे, वो तो बिपिन चंद्रा ने उनको राजनेता बनाया इतिहास की किताब लिखकर कि गांधी के रणनीतियों में आंदोलनों में ये सब क्या है। आप एक बार ये सोच ले, गांधी विचारक थे, गांधी संत थे, ये सोचकर गांधी एक नेता थे, जहां से हम शुरुआत करेंगे उसके आधार पर फिर निष्कर्ष भी निकलेंगे। तो गांधी की जो चिंताएं थी वो सांसारिक भी थी और आध्यात्मिक थी, लेकिन अंबेडकर की इस तरह की चिंताएं नहीं थी। लिख लीजिए इसमें गांधी के नीचे एक पॉइंट लिखिए, गांधी के सरोकार और गांधी की चिंताएं सांसारिक या लौकिक के साथ साथ पारलौकिक भी थी। ठीक, अंबेडकर की तरफ लिखिए, राजनीति को समाज भीतरी शक्ति से जोड़ा, राजनीति को समाज की भीतरी शक्ति से जोड़ा, अछूत को दलित की संज्ञा दी,
अछूत को दलित की संज्ञा दी, दलित डाउन ट्रॉडन पद दलित। ठीक, राजनीति को दुनियावी बेहतरी से जोड़ा, इस दुनिया की बेहतरी से ही राजनीति जुड़ी हुई है। राजनीति को दुनियावी देखिए यहां पर तो एक तो यह है कि राजनीति को लेकर क्या है, बहुत क्या है अंतर अंतर था। दूसरा, स्वतंत्रता और भारत की स्वतंत्रता को लेकर भी गांधी और अंबेडकर के बीच में बड़े बुनियादी किस्म के अंतर थे। अंबेडकर ने अपनी किताब इनहेलेशन ऑफ कास्ट को ज्योतिबा फुले को समर्पित किया है, और ज्योतिबा फुले को जब उन्होंने समर्पित किया तो अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी जिसको आपको जानना चाहिए, कि उन्होंने लिखा कि वर्तमान भारत के महान शूद्र जिन्होंने हिंदुओं की निचली जातियों को ऊंची जातियों द्वारा दी गई सामाजिक गुलामी के प्रति सचेत किया और बताया कि विदेशी शासन से स्वतंत्रता पाने की अपेक्षा सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना आवश्यक है। इस विषय की तैयारी करने वाले बच्चे को पहले तो कि उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होना चाहिए, और हर तरह के विचारक को, हर तरह के व्यक्ति को पढ़ने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। और इलाहाबाद में लोग तुरंत असहमत हो जाते हैं बिना पढ़े बिना समझे। इलाहाबाद की प्रॉब्लम भी ये रही, जब आरक्षण और रक्षण के यहाँ पर आंदोलन हुए थे तो मैंने ये पाया कि कई लोगों की पार्टनरशिप टूट गई, रूम पार्टनर से ही पंगा हो गया। तो दुश्मनी जमकर करो, मगर हमेशा ये गुंजाइश रखो कि जब कभी मिलें तो शर्मिंदा ना हो। हाँ, एक आध दुश्मन ऐसा रखो कि उसे मिलने कि क्या है जरूरत भी ना हो, ये भी है। और पंगा लो तो जम कर लो, कोई छोटा मोटा पंगा मत लो, ये भी बात। तो यहां पर आप पाएंगे कि आप देखिए वो ज्योतिबा फुले को जब कोई चीज समर्पित करें तो कह क्या रहे हैं, जिन्होंने ये सबक दिया कि विदेशी शासन से स्वतंत्रता के पहले सामाजिक स्वतंत्रता क्या है जरूरी। यही वो पॉइंट है जहां पर गांधी और अंबेडकर भारत की आजादी की लड़ाई में अलग अलग धाराओं में जा रहे थे, और इसी पॉइंट के आधार पर आप समझ सकते हैं गांधी के लिए भारत की आजादी का सवाल सबसे बड़ा सवाल था, अंबेडकर के लिए भारत में दलितों की आजादी का सवाल सबसे बड़ा सवाल था। गांधी भारत को आजाद बनाए जाने के बाद हरिजन मुद्दे को संबोधित करना चाहते थे, अंबेडकर भारत को आजाद बनाए जाने के पहले ही दलितों के संदर्भ में जो चीज समानता वाली बातें या समानता के जो प्रावधान किए जाने थे उसको सुनिश्चित करना चाहते थे। इसलिए लुई फिशर ने महात्मा गांधी की जीवनी में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सरल भाषा में एक बात कही कि गांधी के लिए भारत की आजादी का सवाल पहला सवाल था, अंबेडकर के लिए भारत में आजादी का सवाल सबसे पहला सवाल था। क्यों? क्योंकि एक कह रहा है कि राजनीतिक गुलामी और राजनीतिक आजादी मेरे लिए पहली चीज है, दूसरा कह रहा है कि सामाजिक गुलामी और सामाजिक आजादी मेरे लिए पहली चीज है। तुम मुझे स्कूल में अगर एक दिन पानी पिलाने वाली नहीं आती है तो मैं पानी नहीं पी पाता हूं स्कूल में, तुम अछूत मानकर मुझे पानी नहीं पीने देते हो, मैं अपने नाम के साथ जातिपरक उपनाम अगर लिख लूं तो उसके वजह से भी मुझे समस्याएं उठानी पड़ती हैं। जैसे आप देखेंगे नाम के पीछे जो उपना जो भी उपनाम सरनेम लगते हैं तो भारत में नाम के बाद जाति वाला नाम लगता है, महाराष्ट्र में स्थान सूचक नाम लगता है, तेंदुलकर, आगरकर, जैसे हिंदी में भी कई हैं जैसे मजरूह सुल्तानपुरी,
सुल्तानपुरी जो शब्द है वो क्या है? ये स्थान सूचक है ना, सबाना आजमी, तो ये क्या है, ये भी लास्ट में क्या है? तो आप देखेंगे दो तरह की है। तो अंबेडकर, अंबेडकर में जो कर है ये स्थान सूचक है और ये उनके गुरु ने दिया था। तो जो ये कहा जाता है, देखो एक होता है कि नदी के किनारे बैठकर किसी डूबने वाले को देखना, उसकी पीड़ा को देखना, और एक होता है कि डूबते हुए पीड़ा को समझना। तो हिंदी साहित्य में इसको कहते हैं भोगा हुआ यथार्थ। छूत अछूत अंबेडकर के लिए क्या था? भोगा हुआ यथार्थ था। तो बहुत स्वाभाविक सी बात थी कि प्रतिक्रिया भी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर कोई किसी चीज को भुगत चुका है तो जो भुगत चुका है उसका रिएक्शन, और जो उस किसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसने वैसी पीड़ा नहीं झेली है, दोनों के रिएक्शन में क्या होगा? अंतर होगा। हम क्यों कहते हैं आज भी कि महिलाओं को जो है सभी संगठनों में प्रतिनिधित्व देना चाहिए? मैं राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसी पुरुष को बना दूं या प्रधानमंत्री बना दे, अभी बवाल हो जाएगा कि ये क्या मजाक है, महिला आयोग है और अध्यक्ष कौन होगा? पुरुष होगा। क्या आप तर्क देंगे? आप यही तर्क देंगे कि पुरुष कैसे महिलाओं की समस्या और उनकी संवेदनशीलता को समझ पाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा? अब कोई पुरुष चाहे कितना भी कहे मुझे जान, मेरे भीतर जान स्टुअर्ट मिल की आत्मा आ गई है, मैं समझ सकता हूँ, कुछ भी नहीं। लॉजिक तो हम आज भी देते हैं ना, तो ये लॉजिक तो अम्बेडकर के ऊपर भी तो लागू होगा, ये लॉजिक तो अम्बेडकर के ऊपर भी लागू होगा ना। तो एक अछूत होने की क्या पीड़ा होती है अंबेडकर ने समझा, और इसलिए जब उन्होंने ये कहा, जैसे कई बार लोग क्या होते हैं बहुत वैचारिक रूप से बहुत ही संकीर्ण हो जाते हैं कि अंबेडकर भाई गांधी और अंबेडकर के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं और दोनों अपने पॉइंट पर सही हो सकते हैं। एक कह रहा था कि भारत की राजनीतिक आजादी उसके जिंदगी का पहला मकसद है, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाना उसके जिंदगी का पहला मकसद है। दूसरा कह रहा था कि मुझे दलितों की सामाजिक गुलामी से उनको दूर करना मेरे जिंदगी का पहला मकसद है। तो दोनों क्लियर है ना अपने पॉइंट में, अपने स्टैंड में। कंक्लूजन भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। रास्ते भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और रास्ते अलग होंगे तो मंजिलें भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी। इसलिए जो है ये भी बात है, देखो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे में ये नहीं कि नेताओं की तरह और इसके साथ ही पत्रकारों की तरह एकदम क्या है, एक संकीर्ण था, क्योंकि लिख नहीं पाओगे फिर जस्टिस के साथ, फिर क्या है बता नहीं पाओगे, क्योंकि वो डिफरेंस तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि डिफरेंस क्यों था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप यहां पर लिखिए, राजनीति पर, या राजनीति हो गया, भारत की स्वतंत्रता पर। भारत की गांधी के नीचे लिखे, विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राथमिक लक्ष्य था। ठीक, सामाजिक स्वतंत्रता का लक्ष्य उसके बाद था। सामाजिक स्वतंत्रता का लक्ष्य उसके बाद था। ठीक है, अंबेडकर के संदर्भ में लिखे, दलितों की सामाजिक गुलामी को दूर करना, दलितों की सामाजिक गुलामी को दूर करना पहला लक्ष्य था। भले ही विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लक्ष्य को टालना पड़े, ठीक है। अब यहीं पर लुई फिशर का कोट
कर देते हैं। जैसे लुई फिशर ने इसको एक लाइन में बहुत सिंपल कर, कि लुई फिशर ने कहा कि गांधी के लिए भारत की आजादी का सवाल पहला था और अंबेडकर के लिए भारत में आजादी का सवाल। तो एक शब्द समूह है भारत की आजादी और दूसरा है भारत में आजादी, भारत में दलितों की आजादी। तो लिख लीजिए अगला इस पॉइंट बनाकर लिखिए, लुई फिशर के अनुसार लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जिन्होंने भारत के नेशनल मूवमेंट को कवर किया था, ठीक है। तो लुई फिशर के अनुसार गांधी के लिए भारत की आजादी का सवाल, भारत की आजादी को डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहला सवाल था। पहला सवाल था, ठीक। अंबेडकर के नीचे लिखिए, लुई फिशर के अनुसार भारत में आजादी का सवाल, भारत में आजादी का सवाल पहला सवाल था। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पर एक और बात है कि शासन प्रणाली को लेकर भी, पहले समझ लीजिए फिर लिखना है, शासन प्रणाली को लेकर भी गांधी और अंबेडकर के बीच में अंतर था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जहाज पर जाते हुए एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। गांधी अपने समय का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते थे और उस जमाने में मोबाइल नहीं था तो वो कर सकते थे, आज पैदा होते तो शायद व्हाट्सएप पर ही समय बीत जाता। तो गांधी ने हिंद स्वराज लिखी और उसमें अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, अंग्रेजों का जो था पार्लियामेंट्री सिस्टम या बेस्ट मिनिस्टर जो प्रणाली थी उसको जमकर गाली दी, यहां तक कह दिया कि वेश्या बना दिया। और इसमें एक बहुत जबरदस्त बात यह है कि उनकी एक महिला मित्र ने कहा कि इसको वापस ले लीजिए शब्द, उन्होंने कहा कि बहुत सोच समझ कर बोला है, वापस नहीं लूंगा मैं। वेश्या किस संदर्भ में बनाया, उनका कहना था कि जो भी सरकार बनती है संसद उसके साथ क्या है सहमत हो जाती है। तो बहुत ही थोड़ा करारा व्यंग था, बातूनी दुकान कहा। फिर कहा कि ऊपर के शासक के भार से शासित जनता दब जाती है। तो गांधी ने कुछ छोड़ा नहीं, 1902 के आसपास वो जो बातें कह रहे थे वो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर गांधी कभी भी क्या है आश्वस्त नहीं थे। और गांधी ने इसीलिए जो है ग्रामीण गणराज्य और पंचायती राज की अवधारणा तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया वो उनके द्वारा स्वीकृत शासन प्रणाली का जीता जागता सबूत है और हमने उसमें संसदीय प्रणाली को क्या है अपनाया। तो एक संसदीय प्रणाली को गाली देने वाला था और दूसरे ने संसदीय प्रणाली को क्या है अपनाया। एक ने कहा कि देखो बताकर जा रहा हूं कि सत्ता को एक केंद्र में मत ले आना, विकेंद्रीकरण करना। दूसरे ने सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र को ही सशक्त कर दिया ताकि दलितों के हितों का ध्यान कौन रखेगा। और भारत का बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के बाद अलगाववाद की शक्तियां जो दिख रही थी इसके वजह से सशक्त केंद्र को उन्होंने क्या किया महत्व दिया। और दोनों में ये भी जमीन आसमान का क्या हो गया फर्क हो गया। लिखिए यहां शासन की प्रणाली, पंचायती राज शासन की प्रणाली में गांधी के नीचे, पंचायती राज या ग्रामीण गणराज्य की अवधारणा पर बल देकर, पंचायती राज या ग्रामीण गणराज्य की अवधारणा पर बल देकर
सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को स्वीकार किया। सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को स्वीकार किया। ठीक है, अंबेडकर की तरफ लिखिए। संविधान में मजबूत केंद्र वाली संघात्मक प्रणाली को स्वीकार करके सत्ता के केंद्रीकरण को स्वीकार किया। अच्छा, एक और बात है कि देखिए, संविधान सभा में गांधी और प्रकाश नारायण दो बड़े नेता थे जो सदस्य के रूप में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग या गांधीवादी लोग संविधान सभा में थे। तो गांधीवादियों ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई शासन की प्रणाली में जो इकाई हो वो पंचायत हो। अंबेडकर इस बात से सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा कि शासन की प्रणाली में जो इकाई होगी वो व्यक्ति होगा। तो जो गांधीवादी शासन प्रणाली थी उसमें इकाई क्या बननी थी? पंचायत। वो संविधान में स्वीकार नहीं की गई। अंबेडकर ने व्यक्ति को क्या है? इकाई बनाया। ये भी दोनों के बीच क्या है? अंतर है। लेकिन ये गांधीवादी विचार के संदर्भ में अंतर है। यहां पर यह भी बात है, तो इसमें आप लिख लीजिए, शासन की इकाई गांधी के नीचे, शासन की इकाई पंचायतें होनी चाहिए। और दूसरी तरफ लिखिए, शासन की इकाई व्यक्ति होना चाहिए अंबेडकर के उस। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस बात को भी समझिए कि गांधी ने राज्य का विरोध किया, राज्य का विरोध करने वाले को पॉलिटिकल थॉट के आईने में अराजकतावादी कहा जाता है। एक अराजकता होती है अव्यवस्था के लिए, यहां पर अराजकता का मतलब है एंटी स्टेटिज्म, राज्य का विरोध। राज्य का विरोध गांधी ने किया। अगर इसे केबीसी का कौन बनेगा प्रश्न बनाया जाए कि गांधी ने राज्य का विरोध किया, ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता के तर्क के आधार पर कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की आजादी को खत्म कर सकता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। समस्त की स्वतंत्रता के तर्क के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, मशीन के सिद्धांत के आधार पर, और मशीन एक ऑप्शन, और डी ऑप्शन ए प्लस डी क्या सही है? नहीं, ए प्लस सी। गांधी ने राज्य का विरोध किया, उनके तीन तर्क थे, एक कि आजादी खा जाएगा राज्य, मोदी जी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, जेएनयू में कल, या हम कई बार कहते हैं कि पुलिस वाले जीने नहीं दे रहे हैं,
अगर कोई पुलिस वाला चाहे रात को 12 बजे बिना वारंट के आ धमक सकता है। सेना, राज्य के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो व्यक्ति की आजादी को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये एक मान्य सत्य है। पावर में आ जाने पर आप ही मंत्री बन गए, आप किसी के पीछे किसी को लगा दीजिए, किसी पड़ोसी से पंगा होगा चल रहा हो और घर वालों ने कहा कि इसको जरा सुधार दो, आप DSP बन गए तो कुछ देर के लिए तो सुधार सकते ही, दो चार जो है फर्जी मुकदमा मुकदमा लगवा दीजिए, उसको गांजा चरस अफीम जो है उसमें पकड़वा दीजिए। तो राज्य के पास तो देखो पावर तो होता है, और ये सारी लड़ाई किसकी है, पावर की। आप भी क्यों, आप प्रोफेसर क्यों नहीं बन जाते हो, आप दूसरी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते। भाई पावर चाहिए इंसान को, अपने लिए भी चाहिए, समाज के लिए भी चाहिए, तो ये अलग। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता वाला ये जो तर्क था ये मार्क्सवादियों ने दिया। राज्य का विरोध मार्क्सवादी भी करते हैं, लेकिन वो समष्टि की स्वतंत्रता के आधार पर करते हैं। तो इसलिए गांधी व्यक्तिवादी या अराजकतावादी है। दूसरा, गांधी कहते थे कि राज्य में शक्ति है और इस शक्ति को बनाए रखने के लिए हिंसा की आवश्यकता होगी, इसलिए राज्य हिंसा के रास्ते पर चलेगा। इसलिए गांधी का एक फेमस स्टेटमेंट था कि राज्य अहिंसक समाज की संरचना से बेमेल है। केंद्रीकरण भी जो है वो भी अहिंसक समाज की संरचना से क्या है, बेमेल है। जैसे बड़ी फैक्ट्री होगी तो बड़ा पावर होगा, तो कहीं पर भी चाहे आर्थिक केंद्रीकरण हो, चाहे सैनिक केंद्रीकरण हो, चाहे राजनीतिक केंद्रीकरण हो, इन सब में क्या होगा, इन सब में व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि भारत के एक राज्य में 3 राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। कौन सा राज्य है भारत का, वो आंध्र प्रदेश। यहां पर आप ये देखेंगे कि ये 3 राजधानी क्यों, क्योंकि लॉजिक यही पर है कि प्रशासनिक राजधानी एक हो, न्यायिक राजधानी एक हो, और राजनीतिक राजधानी क्या है। तो ये गांधी पहले से ही कह रहे थे। तो गांधी का कहना था कि केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, अहिंसक समाज की संरचना से मैच नहीं करता है। लेकिन अंबेडकर ने ये सब लॉजिक क्या है नहीं दिया, इस बात को भी आप लिख लीजिए। गांधी में लिखे, केंद्रीकरण को अहिंसक समाज की संरचना से, केंद्रीकरण को अहिंसक समाज की संरचना से बेमेल मानते थे। ठीक है, अच्छा अंबेडकर क्या है, देखिए भारत की आजादी के साथ ही भारत का हो गया, भारत का बंटवारा हुआ, आजादी तो मिली। लेकिन अब जैसे कई बार PCS में सवाल पूछा जाता है कि इतिहास फिर से लिखना होगा तो क्या रोकना चाहोगे, क्या रोकना चाहोगे, बंटवारा रोकना चाहोगे, न बंटवारा होता, ना नागरिकता के इतने पंगे होते, न हिंदू मुस्लिम होता। ये हुआ ना कि हमने भारत, भारत बना, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो हालत है उसमें लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं, इसका मतलब कि जिंदगी के हालात वहाँ पर खराब है। और बंटवारा प्राकृतिक तो था नहीं, कृत्रिम था। बंटवारा प्राकृतिक कब होता है, जब सरहदें प्राकृतिक होती हैं, भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर होते हैं। कोई भौगोलिक सांस्कृतिक अंतर तो था नहीं, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। और हमारी सरहद तो ये भी, आदमी शराब पी के लुढ़कता है तो पाकिस्तान पहुंच जाता है। कौन सी मूवी आई थी, सरबजीत वाला जो था, और एक टीवी सीरियल आता है सब पे जो है, उसमें कौन से कैरेक्टर है वो गए घूमने, वो पाकिस्तान पहुंच गए। कई हिंदी मूवीज की जो कहानी है, हिना मूवी जो बनी थी उसमें भी वही थीम थी ना कि आदमी क्या है भारत से। इसका मतलब बंटवारा प्राकृतिक है ही नहीं। और यही बांग्लादेश वाले भी मुद्दे पे यही समस्या है, जो इनक्लेव वाली समस्या आई वो क्यों आई, 3 तरफ से जो घिरा हुआ है वो इनक्लेव है और एक तरफ से खुला हुआ है, उसमें रहने वाले लोग भारत के हैं और उसका निकास बांग्लादेश है, या उल्टा है, रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं
और निकास क्या है, भारत की तरह। घर का जो आगे का दरवाजा है वो भारत में है, और घर की पिछली दीवार जहां खुलती है वो बांग्लादेश में है। भी अजब, इस आप सोचिए कि आप कहाँ के हैं। जैसे जिले में भी प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी क्या है प्रॉब्लम आ जाती है, ये क्या है। तो बंटवारा जो था वो था। अब जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो आप ये बात ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन ने कमजोर केंद्र की वकालत की थी। अंबेडकर ने संविधान में उस वकालत को ही, उस पैरवी को ही बदल दिया। अंबेडकर ने मजबूत केंद्र को क्या है बनाया। तो अंबेडकर की ये क्या है, अंबेडकर की ये दूरदर्शिता थी। और अंबेडकर ने मजबूत केंद्र क्यों बनाया, जब देश बट ही गया तो फिर राज्यों की बात क्या मानना। आज धर्म के आधार पर बटा है, कल क्षेत्र के आधार पर बटेगा, परसों भाषा के आधार पर बटेगा। तो क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इनको नियंत्रित कौन करेगा, केंद्र करेगा, ये संकल्पना थी। तो अंबेडकर ने तो मजबूत केंद्र की वकालत की, ये भी बात है। और ये भी क्या है कि एक झटके में उसको उतार, देखिए इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने विद्वान नहीं होते। और आप ये सोचिए कि संविधान सभा के जो डिबेट्स हैं, ज्वाइंट असेंबली डिबेट्स 12 एपिसोड में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया .nic.in पर अवेलेबल हैं। आप उस डिबेट्स में देखेंगे लास्ट में सारी चीजों का जवाब तो किसको देना होता, अम्बेडकर को देना होता था कि साहब आपने ये कर दिया, क्यों कर दिया आपने। अब वहां बैठे हुए लोग हैं 200 से अधिक लोग, उनका जवाब कौन दे रहा है, लास्ट में कौन दे रहा है, अंबेडकर दे रहे कि हमने किया तो इसलिए किया, इसका ये लॉजिक है। और ये भी नहीं कि नहीं मानोगे तो भी गन निकाल लेंगे, अंबेडकर के पास ये चॉइस तो नहीं था कि मानोगे कैसे नहीं, हम दबंग हैं, हम सिंघम हैं, हम गन निकाल के भी मनवाएंगे। मनवाना किससे था, लॉजिक से मनवाना था। इसलिए गांधी जिद करके अंबेडकर को ले आए थे। आपको पता होगा, इतिहास पढ़ते होंगे, तो अंबेडकर को संविधान सभा में लाने की जिद किसकी थी, गांधी की, कि देश बनाना है, देश बनाना है। इसलिए अंबेडकर को, देखो कांग्रेस पार्टी की बात अब नहीं है, अब देश बनाने की बात है। तो गैर कांग्रेसियों को भी संविधान सभा में लाया गया। और वो संविधान सीरियल में जगजीवन राम और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी से मिलने जाते हैं, उसमें दिखाया गया कि गांधी ने लिस्ट दी कि जिनको बता रहा हो इनको शामिल करो। तो यहां पर क्या है, तो ये जो चीज थी, ये चीज थी। तो अब यहां पर क्या है कि लॉजिक क्या था, लॉजिक आप समझिए। अंबेडकर इस बात को समझ रहे थे कि राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्रीयकरण जरूरी। देखिए वर्तमान सरकार की चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर अलगाववाद कम हो गया, समाप्त हो गया, तो इस बात का तो क्रेडिट किया जाएगा ना कि 370 को समाप्त होने का एक अच्छा परिणाम क्या है निकला। आप बहुत सारी चीजों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये नतीजा आ गया जो जिस तरफ चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना, आप बहुत सारी पॉलिसी से सहमत असहमत हो सकते हैं। अब क्या है, मजबूत केंद्र ही ये फैसला क्या है ले सकता था कि 370 के नाम पर अलगाव नहीं होगा, तो ये भी बात है। तो अब इसमें अंबेडकर की तरफ लिखे, केंद्रीकरण को दलित सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता से संगत मानते थे। दलित सशक्तिकरण और राष्ट्रीय एकता से संगत मानते थे। मतलब केंद्रीकरण उनके लिए ऐसा नहीं था कि उसको नकार दें, ठीक है। एक और चीज है, देखिए समाज सुधार को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। अंबेडकर की किताबों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि सोशल रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म के पहले आता है। इतिहास के आधार पर उन्होंने ये बात कही है कि पहले सोशल रिफॉर्म होता है और फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म होता है। जैसे जो मैंने पंजाब का उदाहरण लिया उसके संदर्भ में, उन्होंने विश्व इतिहास से भी उदाहरण लिए कि आप विश्व इतिहास पलट कर देख लीजिए, पहले समाज बदला है फिर राजनीति क्या है बदली है। तो वो समाज सुधार को बहुत क्या है महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी के लिए समाज सुधार राजनीतिक सुधार की पूर्व शर्त नहीं थी, वो उनके व्यापक
परियोजना का एक हिस्सा थी। आंदोलन ठहराव आंदोलन विपिन चंद्र के अनुसार गांधी की यही क्या थी, रणनीति थी। तो जब लड़ लेते थे राजनीतिक तौर पर, फिर समाज सुधार करने लगते थे, क्या हो अब चलो हिंदू मुस्लिम एकता कर लें तो अछूतों को कर लें, गांधी की रणनीति ये थी। इसका मतलब कि सोशल रिफॉर्म में गांधी कब जा रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बाद जा रहे थे। इसका मतलब कि सोशल रिफॉर्म उनके लिए प्री कंडीशन नहीं थी कि पहले सोशल रिफॉर्म फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, अंबेडकर के लिए क्या था, पहले सोशल रिफॉर्म फिर पॉलिटिक्स की चीजें, क्योंकि वो जिस समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उसकी स्थिति क्या थी, बहुत कमजोर थी। इस बात को आप लिखिए, समाज सुधार पॉइंट दीजिए और समाज सुधार पर गांधी। समाज सुधार राजनीतिक सुधार की पूर्व शर्त नहीं था, समाज सुधार राजनीतिक सुधार की पूर्व शर्त नहीं था। समाज सुधार व्यापक राजनीति का अंग था। अंबेडकर की तरफ लिखिए, राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार पूर्व शर्त है। राजनीतिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार पूर्व शर्त है। ठीक है, अंबेडकर ने कहा था कि दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं सब सामाजिक सुधारों के बाद हुई। ठीक है, अब इसी से एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत में जो समाज सुधार के प्रयत्न हुए तो उसमें पश्चिमी नजरिए को जानने के बाद, समझने के बाद, भारत कई नेताओं के मन में आया कि हम लोग तो बहुत ही निम्न स्थिति में हैं। तो सबसे पहला सुधार हुआ परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति। चाहे आप राजा राममोहन राय को आप देखिए, ईश्वरचंद विद्या सागर को देखिए, परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति, तो परिवार के भीतर के सुधार पहले हुए। गांधी आए तो वो उन्होंने थोड़ा सा हिंदू समाज के सुधार के लिए भी क्या है बात की। अंबेडकर इससे थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखते थे, असहमत थे। अंबेडकर का कहना था कि सामाजिक सुधार में आपने जरूरत से ज्यादा परिवार के सुधार पर बल दिया और समाज सुधार को आपने कम महत्व दिया। ये अंबेडकर का कहना, क्योंकि समाज सुधार का मतलब क्या है कि जो अंतर जातीय भेदभाव है, जो जातिवाद है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से आप लड़िए, जो कम्युनलिज्म है उससे आप लड़िए, आप उससे लड़ नहीं रहे हैं। तो गांधी के लिए समाज सुधार, गांधी के लिए सुधार में परिवार का सुधार और समाज का सुधार दोनों शामिल था। लेकिन अंबेडकर के लिए सुधार का मतलब परिवार का सुधार नहीं था, अंबेडकर के लिए सुधार का मतलब था हिंदू समाज का सुधार। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, इसलिए आप पहले दौर के सुधारवादियों और अंबेडकर तक आते आते चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब देखिए यहां पर कि जैसे आपको फर्स्ट पेपर में महिलाओं के संदर्भ में चीजें पढ़नी है, तो पहले जो मुद्दे थे वो परिवार के भीतर के थे, लेकिन अब मुद्दे क्या है, मीटू मूवमेंट जो अभी हुआ, जो हॉलीवुड से हार्वे आइंस्टीन से शुरू हुआ, उसमें परिवार के भीतर के मुद्दे उठाए गए नहीं, पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा उसके मुद्दे उठाए गए। इसका मतलब हमारा जो डिस्कोर्स है, हमारा जो डिबेट है, वो डिस्कोर्स और डिबेट क्या बदलता रहता है।
अब परिवार के भीतर एक तरह की समानता या कुछ हद तक समानता दे दी गई या है, ठीक है। लेकिन एक और बात है कि अगर महिलाएं नौकरी में आती हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति बढ़ती है, तो बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि उनके साथ व्यवहार बर्ताव क्या किया जा रहा है। तो मुद्दा वो बनेगा, भले वो मीटू मूवमेंट में ट्विटर के हैशटैग से बने और चाहे जैसे भी बने। तो एक आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे को मुद्दे को भी समझना, भाई इश्यूज क्या है और इश्यूज जो उठ रहे हैं वो पहले से कैसे डिफरेंट हैं। तब आप हिस्ट्री में भी, तब आप कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया में भी, तब आप इथिक्स में भी, इन सब जगहों पर आप मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग क्या है कर पाएंगे। तो इसमें आप गांधी के संदर्भ में लिखे, गांधी के लिए सुधार में परिवार का सुधार, परिवार का सुधार और हिंदू समाज का सुधार दोनों शामिल है। ठीक है, अंबेडकर के लिए लिखिए, अंबेडकर के लिए सुधार का अर्थ सुधार का अर्थ परिवार का सुधार नहीं बल्कि हिंदू हिंदू समाज का सुधार महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब यहां पर कास्ट को लेकर गांधी और अंबेडकर, कास्ट को लेकर गांधीवादी और अंबेडकराइट आज के झगड़े बहुत हैं भारत में, कास्ट को लेकर, कास्टिज्म को लेकर। और इसके साथ ही जैसे भारत में खाप पंचायत लग जाती है और सगोत्र या एक ही गोत्र या क्लैन के होने के आधार पर इज्जत या ऑनर किलिंग क्या है हो जाती है। जाकिर वाला आपने सीरियल देखा होगा, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर का एक सीरियल है कि भाई को क्या चाहिए, इज्जत, बात नहीं मानोगे तो फिर क्या है, दौड़ाकर मार दिए जाओगे। ऑनर किलिंग कहाँ होती है, भारत में ही तो होती है। और ऑनर किलिंग कौन सी ऑनर, कास्ट वाला ऑनर, ये भी है। जाति को लेकर तीन कोण रहे हैं भारत में, जाति संबंधी तीन दृष्टिकोण, इसको आज यहीं पर बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा ये। जैसे कुछ लोग हैं जिनको आप पढ़ेंगे, समाजशास्त्री हैं, तो जैसे ही जाति आएगा वो रोना शुरू करेंगे, रुदन एकदम रुदाली हो जाएंगे कि हाय 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 जाति ने नुकसान कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो अब क्या है, कुछ लोग जाति भेद, देखिए जाति जातिवाद और जाति भेद तीनों का लोप करना चाहते हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है समझिए, कोई सामाजिक संरचना अचानक क्या खत्म हो जाएगी। जाति क्या है, सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है, भारतीय समाज के ढांचे में मौजूद है, तो स्ट्रक्चर कैसे मिटा दोगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि जाति भेद का ही लोप कर दे। तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं, जैसे गांधी ने कहा कि देखो जाति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गांधी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो आदमी के श्रम के अनुसार है, चार वर्ण थे
और चार वर्ण जो थे वो चार श्रम विभाजन की पद्धतियां थी। जो ज्ञान का काम दे करते थे वो ब्राह्मण कहे गए, जो सुरक्षा का कार्य करते थे वो क्षत्रिय कहे गए, जो कृषि संबंधी कार्य करते थे वो क्या है वैश्य कहे गए, और जो सेवा कार्य करते थे वो शूद्र कहे गए। आप भी सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं, गांधी की इस परिभाषा के अनुसार आप क्या होंगे, शूद्र होंगे। ठीक है, क्या होंगे आप, शूद्र होंगे। अगर आप सेना में जाते तो आप क्या होते, क्षत्रिय होते। अगर आप पढ़ाने में आ जाएंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे। मतलब ये व्याख्या थी, मतलब उनका कहना था कि इट्स काइंड ऑफ लेबर डिवीजन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इट इज अ काइंड ऑफ लेबर डिवीजन। ये इसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन उन्होंने मानने से मना कर दिया। तो गांधी वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं थे, गांधी वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन की एक पद्धति मानकर उसको स्वीकार करते थे। चार जातियों से 4000 जातियां पैदा हुई, अंबेडकर ने कहा कि इसको बताइए ये क्या है। तो गांधी ने कहा कि इसका उससे कोई संबंध नहीं है, मैं जाति को वर्ण को अच्छा मानता हूं, जाति भेद को बुरा मानता हूं। गांधी का क्या स्टैंड था कि वर्ण और जाति ठीक है भाई, तुम समाज में काम बांटोगे, काम बांटने के लिए आपको एक श्रम विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि भाई कर्म के आधार पर है। तो गांधी वर्ण व्यवस्था और जाति के सभी रूपों और संरचनाओं के आलोचक नहीं थे, लेकिन अंबेडकर थे। अच्छा, ये भी बात है, जाति भेद का तीनों लोप करना चाहते थे, मतलब दोनों लोप करना चाहते थे, गांधी भी और अंबेडकर भी। तो जाति भेद को यहां पर आप समझिए कि जो जाति भेद है इसमें जाति भेद को समाप्त करने की बात के विरुद्ध गांधी व अंबेडकर तमाम असहमतियों के बावजूद एक बिंदु पर हैं। उनके बीच में पूरे एनालिसिस में बहुत डिफरेंस है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इलिमिनेट करने के पॉइंट पर तमाम अपसारी रणनीतियों के बावजूद, दलित एसर्शन के तमाम डिबेट में तमाम बिंदुओं पर अलग होने के बावजूद दोनों यहां पर क्या है, एक हैं। रजनी कोठारी भारत के बहुत जाने माने राजनीति विज्ञानी, समाजशास्त्री, जो भी आप कहे, दोनों रहे। रजनी कोठारी ने कहा कि क्या कह रहे हो आप लोग, गांधी और अंबेडकर दोनों को कटघरे में खड़ा कर लिया और अपने जज बन गए। उन्होंने कहा कि कोई सामाजिक संरचना समाप्त होती है कि वो बदलती है, कोई भी सामाजिक संरचना लुप्त नहीं होती है, वो क्या करती है, बदलती है, धीरे धीरे टूटती है, छूटती है, कमजोर पड़ती है, मजबूत होती है, ये सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अचानक क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अचानक आप सरनाम हटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई आदमी आपको नीचे मिलेगा, आपसे सीधे जाति सूचक वाले से आपके कि गुप्ता जी कहाँ जा रहे हैं आप, हो गया खत्म सारा जातिवाद, समाज जो है सब खत्म हो गया। यहां पर क्या है, तो जाति भेद के लोप पर ये थे। अब यहां पर ये गांधी और अंबेडकर हैं। रजनी कोठारी ने क्या कहा कि जातियां साहब समाप्त नहीं होंगी, जातियों का क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, रजनी कोठारी। कास्ट पर सबसे बड़ा काम किसका है इंडिया में, एम एन श्रीनिवास और जी एस घुरिये से बात बहुत आगे निकल गई। ये कह रहे हैं कि जातियों का क्या है, और एम एन श्रीनिवास को आप पढ़ेंगे तो वो तुरंत आपको रोते हुए मिलेंगे कि राजनीति में जातिवाद जो आया उसकी वजह कौन है, जाति व्यवस्था है। जातियों का पुनर्जीवन हो जाएगा, जातियां और मजबूत हो जाएंगी। तो जाति का पुनर्जीवन करने का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एम एन श्रीनिवास। लोकतंत्र जातियों को मजबूत कर देगा, ये किसने दिया, एम एन श्रीनिवास। आपका मत क्या है, एक कह रहा है कि खत्म होना चाहिए, होगा, दूसरा कह रहा है कि लोकतंत्र जातियों को क्या है, जैसे एक राजनीति में जातिवाद आ गया, कैसे, टिकट वितरण में जाति, पार्टियों में जाति, मंत्री बनाने में जाति, ये सब। अभी तक क्या समाज में जाति थी, एक ही जाति में विवाह होगा, अंतर जाति विवाह हो गया तो पंगा हो जाएगा, अंतर धार्मिक होगा तो और पंगा होगा,
फिरोज नेहरू और इंदिरा गांधी पंगा हुआ, गांधी ने कहा कि ऐसा है कि दोनों गांधी टाइटल लगा लो। नेहरू तैयार नहीं थे और मां तो एकदम तैयार नहीं थी। यहां पर जो फिरोज और इंदिरा की शादी हुई, आप सोचिए कि नेहरू परिवार की वारिस के उपनाम में गांधी कहां से आया? गांधी गुजरात के, नेहरू परिवार कश्मीर से, रहने वाला इलाहाबाद आनंद भवन का, गांधी कहां से आया? ये कैसे हुआ? बड़े लोगों को जैसे होता है ना कि जाति न पूछो साधु की, जाति वगैरह किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। सारे बंधन किसके लिए? मिडिल क्लास के। अपर क्लास और लोअर क्लास एक झटके में कई बार कुछ चीज क्या है, शाहरुख से कोई पूछता है कि गौरी से क्यों शादी किए तुम? तुम मुसलमान, गौरी हिंदू, वो दिवाली मनाती है, तुम ईद मनाते हो, कहां शादी किए? अब वही कहेंगे कि हंसराज कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो उसी समय जो है, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। जैसे शाहरुख के सामने दिक्कतें तो आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। सारा एक तो सारा त्योहार मनाना पड़ता है और दूसरा शिव सैनिक नाखुश भी हो जाते हैं, इतना सेकुलरिज्म कैसे हो जाएगा भाई, एक ही परिवार में सब त्योहार कैसे मनाया जा रहा है? तो भारत है अद्भुत देश, अभी आपको समझने में बहुत वक्त लगेगा। तो ये है। अब यहां पर देखिए दोनों का जो विश्लेषण था, अच्छा ये भी बात है, अंबेडकर ने कहा कि कास्ट इज ए नोशन ऑफ माइंड। कास्ट क्या है? सबसे पहले ये मत समझिए कि सामाजिक संरचना, ये दिमाग की भी बात है। दिमाग की कैसे बात है? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार हैं और इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस एक होती है, एलाइट सर्विस होती है, IAS एलाइट सर्विस है, तो उसमें वो जयपुर से कहीं, जयपुर बंबई या कहीं जा रहे थे। तो भाई एक मान लीजिए कि IAS अधिकारी है तो AC कोच के डिब्बे में टू टायर में चल रहे थे, सामने वाला भी जो बर्थ थी उस पर एक परिवार था, इनका अपना परिवार था। तो परिवारों में और खास तौर पर महिलाओं में, अदरवाइज नहीं लेना इसको, महिलाओं में बहिनापा होने में देर नहीं लगती, बातें शुरू हो गई, बिस्कुट का आदान प्रदान हो गया, चाय हो या अपना साथ लोग पीने लगे। सामने वाले बर्थ से महिला ने पूछा कि बहन जी आप लोग कौन जात के हो? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा कि अब तो जैसे दूध में मक्खी पड़ गई। 30 सेकंड तक मेरी पत्नी के मुंह से लकार तक नहीं फूटी। मैं समझ गया कि अब यहां मोर्चा मुझे संभालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बहन जी हम लोग भंगी हैं। उन्होंने कहा कि पूरी यात्रा में उसके बाद एक शब्द क्या है, बात नहीं। स्टेटस इक्वल है, AC2 टायर में तुम भी इंटाइटल्ड हो, हम भी इंटाइटल्ड हैं। स्टेटस इज इक्वल, इकोनॉमिक स्टेटस इज इक्वल। Despite this fact, our behavior is not equal. तो जाति क्या है? जाति दिमाग की धारणा भी है, ये मत सोचो कि केवल सामाजिक संरचना है, दिमाग की क्या है, धारणा भी है। और देखिए विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी जाति की सीमाएं टूटी हैं और जाति की दीवारें बनी भी हैं, लेकिन उस सब आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब फायदे के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी को अपने पक्ष में मोड़ना है, हमने पूछा क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, क्षेत्र वाला कार्ड खेल दिया, जाति वाला खेल दिया, दिल्ली में है तो UP वाला कार्ड खेल दिया, अंतरिक्ष में है तो पृथ्वी ग्रह वाला कार्ड खेल दिया कि तुम भी पृथ्वी ग्रह के, हम भी पृथ्वी ग्रह के, एलियंस का हमला होगा तो हम क्या हैं, भाई भाई हैं, तुम भी समोसा खाते हो हम भी समोसा खाते हैं, तुम भी गीता पढ़ते हो हम भी गीता पढ़ते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये इंसानी फितरत है। अब इससे आदमी कई बार ऊपर उठ जाता है, कई बार क्या है, इसका कैदी हो जाता है, लेकिन जिंदगी जीने में मजा नहीं आता है ऐसे। जब आप बांट दोगे हर चीज को, आप हर जगह क्या है, दिमाग लगाओगे, इंसान को उसके व्यक्तिगत गुणों के बजाय आप जब भी सामूहिक गुणों से समझना शुरू करते हैं तो कई बार आप निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाते। जैसे आप किसी से देखिए, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे इंसान खुद बनाता है, और दोस्त बनाने में हम पहले क्या प्रथम दृष्टया कास्ट या रिलीजन को देखते हैं? नहीं देखते। कौन कितना हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करता है इसको हम आधार बनाते हैं, लेकिन फिर आता है
सामाजिक चीजें क्या है आती हैं, तो ये सब भी बात है। इसलिए विश्वविद्यालय बनाए गए, यूनिवर्सिटी बनाई गई, यूनिवर्स का नॉलेज हो, बच्चों के मन में दीवारें क्या हैं, सामाजिक दीवारें क्या हैं, टूटे तो होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन जाति को लेकर ये तीन दृष्टिकोण हैं। इसमें सबसे अच्छा दृष्टिकोण रजनी कोठारी का माना जाता है, क्योंकि रजनी कोठारी ने कहा कि रोना भी ठीक नहीं है, जाति हर जगह जातिवाद का रोना ठीक नहीं है। जाति को मान लीजिए कि इसके साथ अच्छा और बुरा दोनों है, सामाजिक संरचना है। अच्छा, लोकतंत्र जाति को पुनर्जीवित कर देगा, ये बात आंशिक रूप से सही है। जातियां बदल रही हैं, राजनीति में जातिवाद के बजाय ये कहें कि जातियों का क्या हो गया है, राजनीतिकरण हो गया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? रजनी कोठारी ने। राजनीतिकरण का मतलब आधुनिकीकरण। राजनीति ने जातियों को एक लेवल पर किया, जैसे कि अगर तुम कहते हो कि ये अगड़े हैं और मैं पिछड़ा हूं, और मैं पिछड़े में भी इस जाति से हूं, तो पिछड़ों की लामबंदी नहीं हो पाएगी। पिछड़े वर्ग की राजनीति तभी होगी जब पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों के भेदभाव को आप क्या करो, नकारो। और कास्ट इंजीनियरिंग भी तभी हो पाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और दलित, इन दोनों को लेकर कास्ट इक्वेशन करके उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की। तो अब अगर ब्राह्मण ये कहते हैं कि हम दलितों से श्रेष्ठ हैं, तो ये जो श्रेष्ठता की बात है वो राजनीतिक तौर पर आपने सत्ता की हिस्सेदारी करने के संदर्भ में तो नहीं बताया कही। इसका मतलब क्या है? ये जो समतलीकरण है वो कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है। राजनीति में सब बुरा ही नहीं है, राजनीति में कुछ अच्छी बातें भी, क्योंकि समाज सुधार तो नहीं हो रहा है ना। कोई समाज सुधार आजादी के बाद हुआ भारत में कि भैया जाति में ऊंच नीच का आप क्यों मानते हो? लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो दीवारें टूटी हैं वो दीवारें किसकी वजह से टूटी हैं? राजनीति की। कि राजनीति में अगर हम एक साथ खड़े हैं तो हम भेदभाव की बात नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए कि उन्होंने कहा, रजनी कोठारी ने कहा कि राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। अपने साथ जोड़ने के लिए एक शब्द प्रयोग किया, लामबंद करना। लामबंद करने का जो शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने विचारधारा से, अपने एजेंडे से लोगों को कायल करेंगे और उनसे वोट मांगेंगे। और जब आप वोट मांगने जाएंगे तो जाति में अगर लोगों को डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ जातियों का वोट मिलेगा और कुछ का नहीं मिलेगा, और आप सत्ता की चाबी से हाथ धो बैठेंगे। इसे राजनीति ने एक तरह का क्या किया, समतलीकरण किया। कोई आज हिंदुस्तान में कह सकता है कि हमको इनका वोट नहीं चाहिए? कोई नहीं कह सकता, वो जानता है कि हमें बहुमत ही नहीं मिलेगा। दिक्कत यहां पर यह है कि जैसे अभी कोई कह रहा था, हम लोगों से बात हो रही थी जब नागरिकता वाला, तो कोई आज कोई पार्टी आज ये बात कह सकती कि हमको 25 करोड़ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तुमको चाहिए, इसलिए तुम मिस्ड कॉल वाला सब चलवा रहे हो। चल रहा है ना मिस्ड कॉल वाला, तुमको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। ये क्या है? और ये राजनीति की खूबसूरती भी तो है, उसमें हम केवल बदरूप चीज ही क्यों देखें। तो रजनी कोठारी का सबसे दुरुस्त विश्लेषण माना जाता है। यहां पर गांधी और अंबेडकर दोनों है, लेकिन अब यहां पर गांधी और अंबेडकर के डिफरेंस को आप समझ, क्योंकि ये मैंने बड़ा परिदृश्य लिया जिससे आप बाकी जगह पर जैसे इंडियन सोसाइटी में भी कंफर्टेबल रहें कि भाई क्या है मामला। अब आप बात समझिए कि कहां पर दोनों टकरा रहे हैं, गांधी और अंबेडकर कहां पर दोनों टकरा रहे हैं। छुआछूत को लेकर, जाति को लेकर गांधी और अंबेडकर दोनों के दृष्टिकोण में अंतर क्या था? अंबेडकर कहते थे कि ये हिंदू धर्म और हिंदू वर्ण व्यवस्था की वजह से है, चार वर्णों से 4000 जातियां पैदा हुई, और हिंदू धर्म में जिस दिन ऋग्वेद में ये कह दिया गया पुरुष सूक्त में कि किसी एक का जन्म जो है माथे से हुआ है, किसी एक का जन्म नाभि से हुआ और किसी का जन्म पैर से हुआ है, उस आधार पर ही अंतर क्या है स्थापित हुए। इसलिए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो है वह भारत में जाति भेद को कहीं ना कहीं जाने अनजाने क्या करता है, पोषित करता है। और अंबेडकर चूंकि विद्वान थे, संस्कृत के कोटेशंस लिए उन्होंने, तो अंबेडकर हिंदू धर्म और वर्ण व्यवस्था से जाति और अछूत, जाति भेद और छुआछूत को क्या है जोड़ते थे। गांधी कहते थे कि ना, ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है। गांधी ने तर्क क्या दिया, यहां पर गांधी और अंबेडकर बहुत लड़ते हैं, टकराते हैं और जबरदस्त टकराहट है।
गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म किसी ग्रंथ विशेष पर आधारित नहीं है, हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथ समुद्र में फेंक दिए जाएं और उपनिषद की एक लाइन अगर बची रहे कि ईसा वास्य इदम सर्वम यत किंचित्याम जगत्याम जगत, तो इससे हिंदू धर्म की क्या है व्याख्या हो जाएगी। सब कुछ ईश्वर के द्वारा क्या है रचित है, इसी से ही हिंदू धर्म की व्याख्या क्या हो जाएगी। हिंदू धर्म ऐसे किसी कर्मकांड, ऐसी किसी व्यवस्था का पोषण नहीं करता है जिसमें एक को छूने लायक या अस्पृश्य बनाया जाए और दूसरे को अछूत या अस्पृश्य बनाया जाए। यहां गांधी अंबेडकर बिल्कुल क्या है अलग हो जाते हैं। देखिए, और ये कितना दूर तक बात जाती है, अंबेडकर ने लाहौर में आर्य समाज के सम्मेलन में आने से मना किया, मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि वहां पर यह कहा गया कि आपने जो ये लिखा है भाषण में कि अगर छुआछूत की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, अंबेडकर ने ये लिखा। आर्य समाजियों ने कहा कि ये बात आप वापस ले लीजिए। अंबेडकर ने कहा कि हम वापस नहीं लेंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल क्या है अलग हैं। एक कह रहा कि आपकी ओरिजिन रिलीजन से है, एक कह रहा कि आपके वर्ण सिस्टम से कास्टिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी, ये तीनों पैदा हुई है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, आप गलत कह रहे हो, मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा है। यहां पर दोनों के दृष्टिकोण क्या है, यही सवाल में लिखना होगा कि अपसारी अप्रोच का क्या है अंतर है, यही बिंदु है, यही वो नब्ज है सवाल की, कि दलित डिबेट में गांधीज्म और अंबेडकराइट ये कहां पर भिन्न हो जाते हैं। एक हिंदू धर्म को उसके लिए लांछित करता है और दूसरा इस बात को मानने से क्या है इनकार कर देता है। और अंबेडकर के रीजनिंग में, थॉट में ये चीजें इतनी स्ट्रांग थी कि 1956 में नागपुर में 5 लाख दलितों को लेकर उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्या है अपना लिया। अब वो सफल हुए नहीं हुए वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसके पीछे थॉट क्या था कि हमारी अवनत स्थिति का कारण हिंदू धर्म और हिंदू सामाजिक व्यवस्था है और हमें एक तर्कवादी धर्म की क्या है आवश्यकता है जो समानता के मूल्यों पर आधारित हो। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उनका यही लॉजिक था कि भाई ये रीजन पर आधारित है, रैशनलिज्म है इसमें और इसके साथ ही क्या है इक्वलिटी है। ठीक है, ये अलग बात है कि हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग बुद्धिज्म को अपनाते हैं, जो सिख धर्म में गए वहां पर भी वो दलित हो गए। ये भी विडंबना देखिए, बौद्ध दलित, सिख दलित, देखिए जब अपने घर में खाना नहीं मिलता है ना, बाहर भी उस दिन खाना नहीं मिलता है। धर्मांतरण जो है वो क्या है इलाज नहीं था क्योंकि अपनाया नहीं गया। निरंकारियों और गैर निरंकारियों में, सिखों में जो अंतर है, निरंकारी सम्मेलन होता है तो निरंकारी बाबा रहे नहीं, बुराड़ी में मुखर्जी नगर के बगल में बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, आप उसके सोशल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो सिख धर्म में मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए वो लोग उसमें निरंकारी में क्या है जुड़े तो जो ऊंच नीच था, जो सामाजिक हैसियत का अंतर था वो वहां पर भी था और वो यहां पर भी आ गया। एक कहावत कही जाती है गांव में ना कि धोबी की जो बिटिया होती है ना, उसको मायके सुख होता है और ना ही ससुराल सुख होता है। तो वही बात क्या है, हालत हो गई कि आपने धर्म छोड़ा, आप यहां पर भी ठीक स्थिति में नहीं थे और जब आप वहां गए तो आप वहां पर भी क्या है, फिर आरक्षण को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई कि जो धर्मांतरित लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और एक और बात है, धर्म में तर्क खोजना गलत है, अंबेडकर के इस विश्लेषण से सहमत नहीं हुआ जा सकता। धर्म में तर्कवाद खोजना गलत है, धर्म में आस्था होती है और धर्म में भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। आप चले जाइए तिरुपति तिरुमला, VIP लाइन है जिसमें पैसा लगकर तुरंत दर्शन हो जाएगा और एक जनरल लाइन है, पैदल चलो आप आराम से। भगवान के दरबार में भी क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन तो है ही यहाँ पर। तो ये पॉइंट ले लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है जब जिसके इर्द गिर्द क्या है सवाल। गांधी की तरफ लिखिए, छुआछूत को हिंदू धर्म जाति के संदर्भ में बता रहा हूं, छुआछूत को
हिंदू धर्म एवं वर्ण व्यवस्था से जोड़ने से इनकार किया। जोड़ने से इनकार किया। ठीक है, एक बहुत बड़े समाजवादी थे मधुलिमय। तो एक किताब आती है वाणी प्रकाशन से, अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, ऐसे किताब आती है। उसमें मधुलिमय का एक लेख है, उसमें उन्होंने लिखा कि दोनों के मूलभूत विश्लेषण में ही अंतर था। और यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर था कि गांधी ने उसको हिंदू धर्म से जोड़ने से इनकार किया, अंबेडकर ने उसको हिंदू धर्म से जोड़ा। लिख लीजिए दूसरी तरफ, छुआछूत को हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था, छुआछूत को हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था और जातिभेद तीनों से जोड़ा। ठीक है, अच्छा अब आप समझ पाएंगे क्यों उन्होंने धर्म छोड़ा। जैसे आप देखिए, एआर रहमान पहले हिंदू थे, एआर रहमान के बारे में पता होगा, पहले क्या थे, वो हिंदू थे और एक तमिलनाडु के या कहीं दक्षिण भारत के एक सूफी संत के प्रभाव में आए और उनके जो लौकिक जीवन में जो कष्ट थे, जो तकलीफ थी, उस प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। एक धर्मांतरण होता है व्यक्ति अपने इनर कॉन्शस के आधार पर करता है, और एक होता है इंड्यूस्ड, जैसे हम कहते हैं कि ईसाई पादरियों ने क्या कर दिया, उकसावा दिया, ये सब किया। तो हम उस धर्मांतरण को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं जिसमें व्यक्ति को उकसा कर क्या है, धर्म छोड़वाया जाता है। ठीक है, अच्छा जब धर्म छोड़वाया जाता है तो फिर हिंदूवादी संगठन है वो घर वापसी वाला नारा शुरू कर देते हैं, घर आओ परदेसी, जहां तुम गए हो वापस आओ, गंगा जलूंगा जल से शुद्धिकरण भी होगा, ये सब होगा, उसमें लड़ाइयां झगड़े भी क्या है होंगी। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख ने कह दिया कि मैं तो सबको हिंदू मानता हूँ, थोड़ा बवाल उस पर भी कटा। अब हिंदू सांस्कृतिक शब्द है, हिंदू धार्मिक शब्द है, तो यही बोल देते कि भाइयों और बहनों समझा रहा हूँ, हिंदू शब्द को मैं धार्मिक संप्रदाय के अर्थ में प्रयोग नहीं करता, मैं इसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में लेता हूँ कि जो इस भारत के भारत भूभाग पर जो भी जन्मा है वो सब क्या है, हिंदू है। तो इतना झगड़ा क्या है नहीं होता भाई। ये हिंदुत्व को लेकर भी कोर्ट तक में झगड़े हुए कि हिंदुत्व क्या है, कोर्ट ने कह दिया कि हम नहीं मानते कि धर्म है, जीवन शैली है ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में कहा कि हम नहीं मानते, उस पर भी झगड़ा हुआ। तो धर्मनिरपेक्षता परिभाषित कैसे करें, तो ये सब झगड़े भी यहीं से क्या है जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वह हुआ। और धर्मांतरण को अब आप समझ जाएंगे, यहाँ पर जैसा सवाल रहेगा वैसा है, उसको आपको टैकल करना है। फिर एक देखिए क्या है कि इकबाल ने तराना हिंदुस्तान में कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हैं हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। काश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने इकबाल की यही लाइनें कोड कर दी होती कि इकबाल तो मुसलमान थे, वो कह रहे थे कि हिंदू हैं हम वतन हैं हिंदोस्ता हमारा, फिर गाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता। तो हिंदू शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये भी बात है। हिंदू कुश की पहाड़ियों के उस पार जो भी भूभाग है वह क्या है, हिंदू है क्या। तो ये अब यहां पर क्या, धर्म को लेकर, धर्म शब्द जब आप देखेंगे तो धर्म शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्षी का धर्म है उड़ना, ठीक है, फिर इसके साथ ही राज धर्म का पालन करें, और ट्रंप ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। देख रहे, तीन वाक्य मैंने लिखा है, तीनों समझिए। पक्षी का धर्म,
ढूंढना। यहां धर्म का मतलब संप्रदाय है, मजहब है, क्या है, गुण, एट्रीब्यूट। पक्षी का गुण क्या है, उड़ना। राज धर्म का पालन करें, यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य। ट्रंप ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, यहां धर्म का क्या मतलब है, मजहब, संप्रदाय, सेक्ट, रिलीजन। महात्मा गांधी ने क्या किया कि ये वाले जो इधर वाले अर्थ थे वो लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा कि जब मैं धर्म की बात करता हूं तो के अनुशीलन के रास्ते की बात करता हूं। अच्छा, कर्तव्य में भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या है, झूठ बोलना कि सच्चाई के रास्ते पर चलना। इसलिए महात्मा गांधी के लिए धर्म का मतलब मजहब या संप्रदाय नहीं था। महात्मा गांधी के लिए धर्म सत्य को हासिल करने का एक रास्ता था, धर्म को नैतिक बना दिया। महात्मा गांधी की प्रॉब्लम यही थी कि हर चीज को क्या करते थे, नैतिक बना देते थे। इससे इतिहासकार बड़े परेशान रहते हैं, दुखी भी रहते हैं कि हाय 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 ये क्या कर दिया, बताओ मजहब के बजाय जो है रास्ते के रूप में क्या है बताना शुरू कर दिया। सच्चाई का रास्ता है, सत्य के अनुशीलन का मार्ग है। और दूसरी तरफ अंबेडकर के लिए जो धर्म था उसमें इस तरह के नैतिक आयाम पर कोई नहीं था। धर्म को विवेक और तर्क को केंद्र में रखकर अंबेडकर देखते थे, समानता को, इसलिए बुद्धिज्म की तरफ वो गए भी। हालांकि अंबेडकर की धर्म की अपनी जो परिभाषा थी ये गलत थी, क्योंकि धर्म का जब अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है धर्म के केंद्र में आस्था होती है, लेकिन अंबेडकर के लिए धर्म क्या था, विवेक और तर्क को केंद्र में रखकर गढ़ी गई क्या है, एक संस्था। तो दोनों बातें लिख लीजिए यहां पर। धर्म सत्य के अनुशीलन का एक मार्ग है, धर्म सत्य के अनुशीलन का एक मार्ग है। धर्म मजहब या संप्रदाय कम है, उसी में गांधी में लिखे, धर्म मजहब या संप्रदाय कम है, रास्ता ज्यादा है। रास्ता ज्यादा है, ठीक है। अंबेडकर की तरफ लिखिए, धर्म के केंद्र में विवेक और तर्क को रखा, विवेक और तर्क को रखा। ठीक, फिर देखिए यहां पर जो सवाल है वो है कि दलितों के लिए उन्होंने उत्थान के लिए क्या किया। तो समाज में जाति व्यवस्था है, जाति भेद है, और इस जाति भेद का सबसे जो खराब रूप है वो है छुआ छूत। जैसे भुवन ने जब टीम में शामिल कर लिया कचरा को, लगान देखी है ना आप लोगों ने, भाई लोगों ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, भाई ये कैसे हो सकता है कि अछूत के साथ हम खेलेंगे। और कचरा शानदार स्पिनर था, आप समझ रहे होंगे बात, टीम के लिए खेलना जरूरी था। तो भुवन को जाति की दीवार तोड़नी थी, भुवन को मंजिलें दिख रही थी, इन लोगों को रास्ते दिख रहे थे। नेता कौन होता है जिसको मंजिल दिखे। भुवन ने जो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया, समझाया कि पागल हुए हो, कचरा के चक्कर में पड़ोगे, लगान देनी पड़ जाएगी, कुछ तो समझाया होगा ना। ये केस स्टडी के रूप में जो बिजनेस स्कूल से उसमें पढ़ाई जाई, लगान पढ़ाई जाती थी, एक लीडर जो है वो कैसे जो है कुछ लोगों को टीम बनाकर कैसे जो है एक बड़ी लड़ाई क्या है लड़ता है। तो छुआछूत की बात है, ट्रेन में हमें से कोई नहीं पूछता, सिविल लाइंस के मैकडोनाल्ड में बर्गर खाने आप जाएंगे वहां पूछते हैं कि भाई साहब जरा बताओ बगल में आप किस जाति के खड़े हो, लेकिन शादी विवाह होगा तो वहां पर क्या है।
पूछते हैं लोग, पूछते क्या है, पूरा जाहिर करते हैं। इसका मतलब क्या? अच्छा, पहले वाला जो समाज था उसमें सार्वजनिक जीवन में जब रेलवे का विकास अंग्रेजों ने किया तो बहुत से उच्च जाति हिंदुओं को कई रात नींद नहीं आई कि हाय 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 हम कैसे यात्रा करेंगे, बगल वाला किस जाति का होगा ये हमें पता नहीं होगा। तो आधुनिकीकरण ने जाति की दीवारें तोड़ी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एकदम से टूट जाएगा। अमृता प्रीतम ने अपने उपन्यासों में लिखा कि आज़ादी के बंटवारे के बाद स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी भी बिके हैं। अब सोचिए कि एक वो भी दौर था कि हिंदू पानी मुस्लिम पानी, ये हो जाए तो बिस्लेरी कंपनी का पूरा कारोबार ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, पानी तो पानी है, कई बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं रात में, मान लीजिए पानी उनी खत्म हो जाता है तो कौन पूछता है कि किसका पानी है, आप ये भी समझिए, कोई पूछता है कुछ नहीं। जो अभी है, एक बार पिछले बार ही मैं जा रहा था, डेंगू बुखार मुझे रात ट्रेन में ही हो गया, पानी खत्म, तो पूछ भी नहीं पाया, इतना पानी पीने का मन कर रहा था, पूछ भी नहीं आ पाया। फिर मैंने जब सुबह भाई साहब जगे तब मैंने उनको बताया कि आपका पानी मैंने पी लिया था, बहुत ही आपदा की परिस्थिति थी। तो अब यहाँ पर क्या आप ये देखेंगे कि इसका मतलब कि ये सब भी चीजें होती। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि जाति जाति भेद और छुआछूत, इसको हटाने की बात दोनों करते हैं, गांधी भी करते हैं अम्बेडकर भी करते हैं। लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि अंतरात्मा जगा लो भाई, अंबेडकर कह रहे थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अभियान चलाओ। दोनों में क्या हो गया, दलित उन्नयन की रणनीतियों में क्या हो गया, गांधी उच्च जाति के हिंदुओं के हृदय परिवर्तन की बात करते थे, उनके भीतर जो है ये जगाना चाहते थे कि तुम ये सोचो कि क्या कर रहे हो, वो पाप बोध को सवर्णों के भीतर जगाना चाहते थे। गांधी मासूम थे, निर्दोष थे, नादान तो मैं नहीं कह सकता लेकिन गांधी मासूम थे, सवर्णों के भीतर कहां ये बात जाके कि मैं गलत कर रहा हूं, ये बात इतनी आसान तो थी नहीं, ये बात क्या है इतनी आसान। लेकिन गांधी ने ये कहा कि भाई जागो। अच्छा, गांधी अपने आश्रमों में क्यों सफाई खुद करते थे, वो कहते थे कि अगर हर आदमी खुद अतिशूद्र बन जाए अपना, तो जो समाज में शारीरिक और मानसिक काम को लेकर जो एक उच्चता और निम्नता की बात है कि मानसिक काम करने वाले उच्च हैं और शारीरिक काम करने वाले क्या हैं, निम्न हैं, ये दीवार टूट जाएगी। गांधी इतने अपने सिद्धांतों और वसूलों के पक्के थे कि एक बार कस्तूरबा से कहा कि शौचालय साफ करो, कस्तूरबा ने विद्रोह कर दिया। कस्तूरबा ने कहा कि इसके लिए तो आपने शादी नहीं किया था कि शौचालय साफ करवाओगे, उनको क्या पता कि पति जो है सिद्धांत पर अब चल रहा है। जैसे ये क्या कि पहला नियम जो है, जैसे आप ये देखेंगे एक सुधीर कक्कड़ की किताब है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी भारत के, मीरा और महात्मा, बहुत दिलचस्प किताब है। तो उसमें मीराबेन और महात्मा गांधी के संबंधों पर लिखा गया है, तो उसमें कस्तूरबा को जिस एंगल से दिखाया गया है उसमें सच्चाई का भी अंश है। कस्तूरबा कई मामलों में, देखिए कस्तूरबा ने भी बहुत कुर्बानियां की हैं, इसलिए सब चाहते हैं कि महात्मा गांधी पैदा, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में पैदा हो। कस्तूरबा कौन बनेगा, कस्तूरबा कौन बनेगा भाई? पति कह रहा है कि शौचालय साफ करो, हमारे सिद्धांत हमारे वसूल की क्या है, वसूल का पोस्टमार्टम हो जाएगा अगर पत्नी ही क्या है हमारी। पहला नेता तो वही है कि जिसकी अनुयायी उसकी पत्नी भी हो, अब पत्नी अलग रास्ते पर जा रही है। तो यहां पर आप देखें गांधी के तरीके क्या थे। गांधी कह रहे थे कि जो विभाजन है शारीरिक और मानसिक कार्य का श्रम विभाजन, और इसके साथ जो उच्चता और निम्नता है इसको तोड़ दें। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि इससे होने वाला कुछ नहीं था, गांधीवादी तरीके ये सफल नहीं हो सकते थे। अम्बेडकर इस पर बड़े नाखुश रहते थे, ये क्या तरीका है, आपको बस यही सब करना है। इसलिए बात आप देखें यहाँ पर कि गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कम्युनल अवार्ड तक बात पहुंची, तो अंबेडकर अपने तरीकों पर बिल्कुल क्या थे, आश्वस्त थे कि हमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो चाहिए। आप ये सोचिए कि यहाँ पर हम लोग जब दिल्ली में तैयारी किया करते, दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरान जो है, तो कश्मीरी गेट बस अड्डे पर एक नारा लिखा हुआ था कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूना पैक्ट का वायदा है।
इतिहास पढ़ने वाला विद्यार्थी ये जानता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर, और किस मुद्दे पर हुआ था। ये भी वह पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और आरक्षण की मांग को लेकर ही हुआ था। तो अंबेडकर का यही तरीका था ना, तो सवाल में ये उत्तर क्या है आना चाहिए। आप इसको अब लिखिए यहां पर, हरिजनों या दलित मुक्ति के लिए, गांधी के नीचे लिखिए, हरिजनों या दलित मुक्ति के लिए सवर्णों में पापबोध जगाने पापबोध जगाने या हृदय परिवर्तन के तत्व पर बल था। ठीक है, अंबेडकर का न्यारा क्या था? अंबेडकर मानते थे कि ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी कि आदमी के पास अगर शिक्षा न हो तो वह स्वतंत्र भी नहीं हो पाएगा। तो अंबेडकर ने तीन बातें कही थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और अभियान चलाओ। इसका मतलब कि दलित मुक्ति पर जो अंबेडकर के तरीके होंगे उनमें ये बात क्या होगी, शामिल होगी। तो इसको बात को आप लिखिए, दलित मुक्ति के लिए सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारों के संघर्ष छेड़ने पर बल था। संघर्ष छेड़ने पर बल था। ठीक, ब्रैकेट में लिखे पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग या आरक्षण की मांग। ठीक है, आप में से कई लोगों ने यह सवाल उठाया होगा अपने बारे में कि मैं, इसके कई उत्तर हैं कि मैं भारतीय हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, इसी तरह से क्या है, पुरुष हूं, इस पहचान संबंधी जो आइडेंटिटी को लेकर गांधी और अंबेडकर में डिबेट था वो इस बात से भी जुड़ा हुआ है। गांधी जो थे वे हरिजनों को हिंदू पहचान के साथ या हिंदू होने की चेतना के साथ बराबरी पर लाना चाहते थे कि वे हिंदू हैं, इस कॉन्शसनेस के साथ वे आए। और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल, जैसे आज जो आप देखेंगे तो आज आरक्षित सीटें हैं भारत में और सामान्य सीटें हैं भारत में, लोकसभा और विधानसभा में। आरक्षित सीट में क्या होगा, जो प्रत्याशी है वह जाति विशेष का होगा या आरक्षित समुदाय का होगा, लेकिन मतदाता सभी वर्गों के होंगे, मतदाता सभी वर्गों के होंगे और सामान्य में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो पृथक निर्वाचन मंडल उसमें क्या था, प्रत्याशी भी समूह विशेष का और मतदाता भी क्या है, समूह विशेष का। तो आपको अलग माना जा रहा है, जैसे मुसलमान अलग हैं, सिख अलग हैं, वैसे ही क्या है, दलित भी क्या हो गए, अलग हो गए, वो अलग यहां पर हो गए। अंबेडकर इस बात की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि दलित की पृथक चेतना के साथ वे बराबरी की बात कर रहे थे और गांधी हरिजनों की हिंदू चेतना के साथ बराबरी की बात कर रहे थे। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लिख लीजिए इस पॉइंट को।
हिंदू होने की चेतना के साथ गांधी के नीचे लिखी है। वे हरिजनों की बराबरी चाहते थे। हरिजनों की बराबरी चाहते थे। अंबेडकर के नीचे लिखे, वे दलित चेतना के साथ बराबरी की मांग कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज है, गांधी दलित मुक्ति के उपायों में धर्मांतरण कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता था। धर्म छोड़ना गांधी के लिए गुनाहों का देवता बन जाना था, धर्मांतरण को स्वीकार नहीं करते थे, तो ये है। लेकिन अंबेडकर को यहां पर दलितों के उत्थान के लिए या दलित मुक्ति के उपाय के रूप में धर्म छोड़ना, उपजातियों के समाप्त होना, अंतरजातीय भोज, अंतरजातीय विवाह, हिंदू शास्त्रों का विरोध, ब्राह्मणवाद को नकारना जैसे रेडिकल उपाय भी शामिल थे। तो अंबेडकर अपने उपायों में क्या है, रेडिकल थे। यहां पर इस पॉइंट को लिखिए, दलित मुक्ति के उपायों में, गांधी के नीचे दलित मुक्ति के उपायों में धर्मांतरण स्वीकार नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ लिखिए, दलित मुक्ति के उपाय में, दलित मुक्ति के उपाय में धर्म छोड़ने, उपजातियों के समाप्ति, अंतरजातीय भोज, अंतरजातीय विवाह, हिंदू शास्त्रों का विरोध, ब्राह्मणवाद को नकारना का मतलब होता है अतिवादी, एक्सट्रीम, जैसे रेडिकल उपाय शामिल थे, जैसे रेडिकल उपाय शामिल थे। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है कि देखिए, गांधी जाति को उस सीमा तक ही बुरा मानते थे जहां तक वो ऊंच नीच के भेदभाव तक जाती थी। अंबेडकर जाति, जाति भेद, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था सबको क्या है, बुरा मानते थे, क्योंकि गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और उसको श्रम विभाजन से जोड़ते थे, वो किसी भी तरह भाव से उसको नहीं जोड़ते थे। वो कहते थे कि समाज में ज्ञान देने वाले, सुरक्षा करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले और सेवा करने वालों का श्रम विभाजन हर समाज में होता है। और भी उन्होंने तर्क दिए थे कि हमें डिसाइड करने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या करें, ये सब उन्होंने तर्क दिया था। तो वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे, लेकिन अंबेडकर सबके क्या है, विरोधी थे। तो ये भी लास्ट पॉइंट इसको लिख लीजिए। जाति को उस सीमा तक बुरा मानते थे उस सीमा तक
बुरा मानते थे, जिस सीमा तक वह ऊंच नीच से जुड़ जाती है, ऊंच नीच से जुड़ जाती है। दूसरी तरफ लिखिए, जाति विहीन समाज का सपना देखते थे अंबेडकर। जाति, और इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए, जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य कोई महत्व नहीं रखता है। यह अंबेडकर का स्टेटमेंट था।